नमस्कार, न्यूज बीके में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह राजपूत। हम अभी मौजूद हैं निवाड़ी विधानसभा के पृथ्वीपुर में। हमारे साथ दादाजी हैं जी। हम उनसे जानते हैं कि क्या है यहाँ के लोगों की राय। यहाँ के लोगों की राय अपने जो है कांग्रेस में सब लोग जा रहे हैं। कांग्रेस बहुत वोटों से आगे चल रही है। अच्छा, और बीजेपी के राज में जनता बहुत सी परेशान रही सर। अच्छा सर, और इस जनता को परेशान, और जो हम लोग अनपढ़ आदमी हैं तो हम ऐसे ऐसे कागज चला दिए सर कि हम उन कागजों के नाम ही नहीं जानते हैं। जहाँ बैंक में आए तो कल 3 दिन बिना खड़े, और कौन का चला दिया है कैसा, ये मान लो कौन सा होल्ट लग गया है, कौन मान लो होल्ट के लाने आए और कहो 24 घंटा यहीं खड़े और नहीं लगवा तो अपने चिखाने के लिए पत्थर रख गया सर। पत्थर रख के गए बड़े 100 का मुँह कलेबा थे, मुँह के प्यास से फिरान खड़े भाई। तो अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं, मतलब ये जो गाड़ी है आप कहाँ जा रहे हैं? हम सारे इसे रैली में आए थे भाई साहब के। रहने वाले कहाँ के? रैली वाले मने जाके कुशवाहा, आर्जन कुशवाहा है हमारा नाम। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे, मतलब जनता की वो क्या राय है? जनता की पूरी राय ये है कि कांग्रेस जीतेगा, नीति भैया जीतेगा। नीति भैया, चलिए हमारे साथ भैया जी जुड़े हैं, उनसे जान लेते हैं। बताइए, मने धाके रहने वाले हैं सीताराम कुशवाहा जी। 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे नीति राजा। अगर वो चुनाव जीतते हैं तो आपको क्या लगता है कि आपको किस प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी? जो वादे होते हैं जैसे नेता के, वो कभी कभी मुकर जाते हैं, तो आपको क्या लगता है? हमको लगता है कि जो सुविधा देंगे किसान के लिए, ये सावधानी मान लो बिजली का बिल माफ करेंगे और हर आदमी को मान लो सावधानी देंगे, हर आदमी को अपने रखाएंगे, इस राज्य में तो सर बिल्कुल खाल खींच गए। तब आप किसको समर्थन दे रही हैं, आप किसको वोट करेंगे? भाई साहब को। भाई साहब कौन? नाम बताइए। नीतू भाई साहब। आप जी। अच्छा, आप भी दादी। चुनावी यात्रा में न्यूज बुंदेलखंड की टीम आज उपस्थित है पृथ्वीपुर विधानसभा में, और आइए जानते हैं कि आम जनता की क्या राय है चुनाव पर। अभी आपके पृथ्वीपुर में चुनाव चल रहा है जी सर, क्या स्थिति है, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा यहाँ पे? यहाँ तो ऐसी स्थिति बनी है कि भारतीय जनता पार्टी 150 सीटें लेके जाएगी। अब माहौल जी, आपका कहना है भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतेगी, तो क्या विकास कार्य किए ऐसे कि आपको लगता है? ऐसे विकास किए हैं, लाडली बहना में जो महिलाओं को सम्मान दिया है, बहुत अच्छा काम किया है, जैसे किसानों को सम्मान निधि मिलती है, किसान सम्मान निधि मिल रही है, हर चीज में किसान को, गरीबों को, हर वर्ग को माने सुविधा है इससे, इस पार्टी से। आप युवा हो, बच्चे हो, देश का भविष्य हो, तो अभी पृथ्वीपुर चुनाव में एक महासंग्राम चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी यहाँ से जीतेगी? पार्टी कांग्रेस। कांग्रेस, हाँ। आपको क्यों लगता है कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी जीतेगी? कांग्रेस पार्टी इसलिए जीतेगी क्योंकि अच्छी पिछली बार वो लट्ठामारी से जीती गए थे। अच्छा, इस बार नहीं। लट्ठामारी कैसी लट्ठामारी? बहुत लड़ाई झगड़े से। अच्छा, तो यहाँ दादा हमारे पास में है, नहीं बोले आप यहाँ के पृथ्वीपुर के निवासी हैं? गरौली के निवासी हैं। अच्छा, गरौली के? हाँ, गरौली प्रजापति हैं। तो प्रजापति जी, क्या लगता है आपको कौन चुनाव में भारी पड़ेगा? इसमें तो कम से कम कांग्रेस इतनी जीत होगी कि 50,000 से ज्यादा वोटों से जीत होने की पृथ्वीपुर जिला से, निवाड़ी जिले से। ऐसा इस बार ऐसा क्या हुआ कि आपको लगता है कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए? कांग्रेस पार्टी ऐसे कि पहलादे जो गुपचुप आदमी चुनने जबरदस्ती कर लिया और मालाधारी का काम था, जो कोई आदमी जाने पाओ तो 10-10 वोट 50-50 डाल के चले जाते, हर के आदमी जाने पाए। तो आपने कहा कि पिछली बार थोड़ी धांधली हुई चुनाव में, तनक शक्ति लग गई, इस वजह से हम कांग्रेस की तैयारी में होने की कोई अच्छी बढ़िया का तो उम्मीद है। तो मतलब आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर नितिन सिंह राठौर बनेंगे तो क्या वो करेंगे पृथ्वीपुर? ये हम लोगों को भविष्य सुधारेंगे, अच्छी अच्छी नौकरी भी मिल सकती है, कमलनाथ की सरकार बैठती है और इसके जो 15 साल 18 साल हो चुके हैं तो इसको कोई नौकरी, कोई वैकेंसी किसी व्यक्ति को नहीं मिल पाई हुई था। अच्छा भाई साहब हमारे पास में है अभी, तो भाई साहब आपका नाम क्या है और आपको क्या लगता है कि चुनावी महासंग्राम में कौन जीतेगा? चुनाव में तो देखो ये है कि विकास के आधार पर और रोजगार के आधार पर जीत होनी चाहिए। जनता को ये सोचना चाहिए कि जो रोजगार दे और जनता का विकास करे, शिक्षा दे, स्वास्थ्य दे और जो मूल आवश्यकताएं हैं जनता की उन पर ध्यान दे, उसी की जीत होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि अभी तक किस पार्टी ने यहाँ पे विकास किया, किस पार्टी को वोट देना चाहिए जनता को? देखिए अभी तक तो बीजेपी चली आ रही है, लेकिन क्या है कि ये रोजगार देने में थोड़ा पिछड़ गए, बाकी इनका काम ठीक रहा है, रोजगार देने के लिए इनको इसी के कारण को थोड़ा
भारी पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, यहाँ से डॉक्टर शिवपाल सिंह विधायक बनेंगे। तो ऐसा क्या काम उन्होंने किया कि आपको लगता है कि शिवपाल यादव जी यहाँ पे जीतेंगे? उन्होंने शांति पूर्वक यहाँ पे मतलब बनी रहती है। पहले अभी बता रहे थे, वो भी बता रहे थे कि यहाँ पे मतलब चोरी मोरी होती थी, किसान परेशान थे, बिजली टाइम से नहीं आती थी यहाँ पे। अब बिजली भी टाइम से आ रही जब से भाजपा सरकार है। ऐसे कोई दो काम जो आप चाहते हो कि पृथ्वीपुर में होने चाहिए विकास के, विकास के बड़े कॉलेज हो जाए और नौकरी की कोई ऐसी, मतलब बेरोजगारी की समस्या को हम मानते हैं कि एक बड़ी समस्या है। मीठे रसगुल्ला के संगे चटपटा समोसा भी खाओ, पांडे जी मिष्ठान भंडार पे एक बार तो आओ। जो एक बार खाए बाको बार बार मन ललचाए, बुंदेलखंड के पांडे जी को रसगुल्ला सबके मन को भाए। पांडे मिष्ठान भंडार, बरुआ सागर बस स्टैंड।